वेलकम टू माई चैनल। कैसे हैं गाइज आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ ब्लीच आप घर पे कैसे कर सकते हैं, एकदम पार्लर जैसे पार्लर में होती है, तो घर पे करिए, क्यों बाहर इतने सारे पैसे खराब करने। तो आज मैं आपको ये बताऊंगी कि किस तरह से मैं घर पे करती हूँ पार्लर जैसे ब्लीच। तो चलिए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, पर उससे पहले प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर वीडियो पसंद आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा गाइस। तो चलिए स्टार्ट, से पहले लेना है ये क्लिंजर पता है मैंने कौन सा लिया है? जो दूध फट जाता है ना, मतलब जो हम फाड़ते हैं उसका जो पानी होता है वो सबसे अच्छा क्लिंजर का काम करता है। एकदम ये होममेड बढ़िया क्लिंजर है आपका। तो इस क्लिंजर से मैं सबसे पहले फेस को पूरा क्लीन कर लूंगी, ऐसे डिप करके अपने पूरे फेस को अच्छे से इससे क्लीन करूंगी। 10 मिनट क्लिंजर को फेस पे लगा रहने के बाद साफ पानी से आप इसे धो लीजिए। अगर आप अभी कच्चा दूध का पानी आपके पास अभी ना हो, मतलब कच्चा दूध नहीं जो पनीर बनाओ उसका पानी अगर ना हो, तो आप डायरेक्ट इसको फेस वॉश कोई भी यूज करके सबसे पहले अपने फेस को फेस वॉश यूज करके क्लीन कर लीजिए। सबसे पहले मैं प्री ब्लीच क्रीम जो है अब अपने फेस पे लगाऊंगी। अगर आपकी ब्लीच में ये ना हो तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये जेल को मैं अपने हाथ पे ले लूंगी। और इसको इस तरह से अपने फेस पे लगाऊंगी और मसाज तब तक करूंगी जब तक कि ये पूरा स्किन में ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। इसकी काफी अच्छे से हमने मसाज करनी है अपने पूरे फेस पे और नेक पे। तो जो प्री ब्लीच क्रीम लगाई है वो मेरी स्किन में एकदम ऑब्जॉर्ब हो गई है। जब आप ब्लीच यूज करें उससे पहले मेक श्योर आपके चेहरे पे एक बूंद भी मॉइस्चर या पानी नहीं होना चाहिए। आपका एकदम फेस जो है वो ड्राई होना चाहिए। तो अब लूंगी मैं ब्लीच। अब ये ब्लीच जो है आपको जो यूज करना है ब्लीच के लिए कंटेनर या जो भी जार या बाउल जो भी लेते हैं आप, या तो वो प्लास्टिक का होना चाहिए या फिर वो कांच का होना चाहिए। आपको स्टील के बर्तन में ब्लीच को मिक्स नहीं करना, ठीक है? इस तरह के 2 स्पून जो है मैं ब्लीच ले लूंगी। मेरे पास एक कांच का जार है, इसी में डाल रही हूं मैं। ये 2 स्पून ले लेंगे। ओके, अब इसमें बारी है ऐड करने की एक्टिवेटर। एक्टिवेटर जो है आपने बहुत ज्यादा यूज नहीं करना है। मैं आपको दिखाती हूँ कि आप कितना सा लेंगे एक्टिवेटर। ये है एक्टिवेटर, ये इस तरह से ओपन हो गया है। अब हमने बहुत थोड़ा एक चुटकी एक्टिवेटर यूज करना है। ज्यादा एक्टिवेटर लेंगे तो आपकी स्किन पे इरिटेशन हो सकती है, ठीक है? मैं आपको दिखाती हूँ, ये बस इतना सा ये एक्टिवेटर मैंने यूज कर लिया। अब इसको मिक्स कर लेंगे अच्छे से। मिक्सिंग काफी अच्छे से होनी चाहिए। इसको बहुत अच्छे से मिक्स करना होता है, ठीक है? और मिक्स करते रहिए अच्छे से, पर बहुत देर भी आपको नहीं चलाना इसे। और दूसरा, मिक्स करने के बाद इसको छोड़ना नहीं है, आपने इमीडिएटली अपने फेस पे लगा लेना है। क्योंकि अगर आप इसको ऐसे ही रख देंगे तो इसका असर नहीं होगा ब्लीच का। तो जैसे ही मिक्स कर लें उसके बाद इसको अपने फेस पे अप्लाई करना है। मैंने फिंगर की मदद से मिक्स कर लिया, मुझे फिंगर से मिक्स करना ज़्यादा बेटर लग रहा था। तो अब हमने इसको जो है, सबसे पहले तो आप पैच टेस्ट कर सकते हैं, इस तरह से अपनी आर्म पे लगा के देख सकते हैं, ठीक है? इसको 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए। अगर इसमें इरिटेशन होती है तो आप इसको इमिडिएटली हटा लीजिए और अपने चेहरे पे इसे अप्लाई नहीं करना है आपने, ठीक है? पर अगर नहीं होती है तो आप इसको अपने फेस पे लगा सकते हैं। लगाना हमने ऐसे है, नीचे से ऊपर जाते हुए लगाएंगे, इस तरह से फिंगर से, या फिर जो इसमें स्पैचुला होता है आप उसकी मदद से इसको पूरे फेस पे लगा सकते हैं धीरे धीरे। और नेक पे लगाना भी बहुत जरूरी है, नेक पे भी आपको लगाना होगा इसको ब्लीच को पूरे को। तो मैं इसको अपने फेस पे लगा रही हूँ। अपनी आईज के पास, अपनी आईब्रोज के पास आपको इसे नहीं लगाना है, ठीक है? और अगर आपको जलन होती है तो इमिडिएटली इसको जल्दी से वॉश कर लीजिएगा। ये आपको कुछ प्रिकॉशंस का ध्यान देना पड़ता है, अगर प्रिकॉशंस रखने पड़ते हैं ब्लीच को यूज करते हैं तो। ब्लीच को लगाने के बाद धूप में नहीं जाना, तो कोशिश करिए इवनिंग के टाइम पे इसे अप्लाई करें। और दूसरा, अगर आपकी स्किन फेयर है
तो आप इसे 15 मिनट तक लगाइए, और अगर आपकी स्किन डार्क है तो आप इसको 10 मिनट तक अपने फेस पे लगा रहने दीजिए, और उसके बाद साफ पानी से या फिर किसी स्पंज से अच्छे से साफ कर लीजिए। और ब्लीच लगाने के बाद आपने कोई भी फेस वॉश या कुछ भी सोप वगैरह यूज नहीं करना, वो ब्लीच लगाने से पहले यूज करना। तो इन कुछ चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। ये फेस पे मैंने लगा ली है, अब 15 मिनट बाद मैं एक टिश्यू से क्लीन कर लूंगी। ये मैंने एक वेट टिश्यू लिया है, आप चाहें तो एक स्पॉन्ज भी ले सकते हैं, उससे अपना फेस क्लीन कर सकते हैं। अगर आप डायरेक्ट पानी से करते हैं ना तो बहुत देर लग जाती है, तो पहले इसी तरह से किसी टिश्यू से इसको क्लीन करेगा और फिर आप साफ पानी से इसको धो लीजिएगा। सोप यूज नहीं करना है और ना ही कोई फेस वॉश। फेस को क्लीन कर लिया मैंने टिश्यू से, मैंने अच्छे से इसको पूरी ब्लीच को निकाल दिया। तो अब फेस को ड्राई करने के बाद लास्ट में मैं ये यूज़ कर रही हूँ, पोस्ट ब्लीच पैक है ये, इसको ब्लीच होने के बाद यूज़ करना है। ठीक है, आप इसको मॉइस्चराइज़र की तरह अपने फेस पे लगा लेंगे अच्छे से, जब तक कि ये स्किन में ऑब्जर्व नहीं हो जाता, पूरी तरह से मसाज करनी है आपने तब तक। ठीक है, और इन केस अगर आपकी ब्लीच में ये वाला पैक नहीं है तो उस केस में आप अपने जो भी आपको पसंद हो मॉइस्चराइज़र, जो भी आपकी स्किन को सूट करता है, वो मॉइस्चराइज़र आप अपनी फेस पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पैक मैं आपको ले रही हूँ थोड़ा सा अपने हाथों पे। ये जेल की तरह का है ये। इसको पूरे फेस पे जहां जहां पे भी आपने ब्लीच अप्लाई की है नेक पे लगा लीजिए और अच्छे से इसे मसाज करिए, जब तक कि आपका ये स्किन में पूरा ऑब्जॉर्ब ना हो जाए। तो ये पूरा मेरी स्किन में ऑब्जॉर्ब हो गया है, अब इसको इसी तरह से छोड़ देना है, आपको वॉश करने की जरूरत नहीं है। ओके, तो अब आपने सोप या फेस वॉश को यूज नहीं करना मिनिमम 8 आवर्स के लिए, तो बिल्कुल ही नहीं यूज करना और धूप में बिल्कुल भी नहीं जाना। वॉचिंग माई वीडियो, अभी के लिए वीडियो खत्म करती हूँ, मिलेंगे नए वीडियो में बहुत जल्दी, तब तक के लिए बाय।